We want OC. हमें हमारा फ्लैट चाहिए सर। अब हम सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमें वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैंने तो पूरी अपनी जिंदगी की कमाई एक तरीके से सोची है, प्राइवेट जॉब करने के बाद जितने भी मेरी सेविंग थी इसमें लगा दिया, और उसके बाद क्या मिल रहा है? अफोर्डेबल अगर ये नहीं होती स्कीम तो शायद इसमें हम अप्लाई भी नहीं करते। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसे अनेकों बिल्डर आए जिन्होंने न केवल लोगों में अपना भरोसा कायम किया बल्कि उन्हें बेहतर प्रोजेक्ट देकर विश्व में अपना नाम भी कमाया। लेकिन कुछ ऐसे भी डेवलपर्स आए हैं जिन्हें लोग आज ग्रेट चीटर की उपाधि दे रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो ग्रेट डेवलपर्स या ग्रेट चीटर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता, आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र तक पहुंचाने में जहां बिल्डरों ने अहम भूमिका निभाई है, वहीं कुछ ऐसे बिल्डर भी हैं जिनकी वजह से आज लोग दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि जीवन भर की पूंजी वो इन बिल्डरों के हवाले कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए और उन्हें उनके सपनों का आशियाना तक नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 90 में वर्धमान बिल्डर्स के द्वारा ग्रीन कोर्ट के नाम से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट की, जो लगभग 7.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लोगों को नहीं मिल पाया है। यहाँ के इन्वेस्टर्स का आरोप है कि उन्होंने सन 2015 जनवरी माह में इसमें इन्वेस्ट किया था और ये प्रोजेक्ट उन्हें 2020 के स्टार्टिंग में देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि कोविड की जहां तक बात की जाए तो कोविड भी इस प्रोजेक्ट के बाद ही आना था, क्योंकि वो 2020 के मार्च माह से शुरू हुआ था, उससे पहले बिल्डर को ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा था। लेकिन अब 2022 भी अंतिम समय की ओर है, यानी कि खात्मे की ओर है, इन लोगों को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि ये जो बिल्डर है इसने ना केवल इनका लाइसेंस जो कैंसिल हो चुका है या कह सकते हैं कि एक्सपायर हो चुका है उसे रिन्यू तक नहीं कराया है, जिसकी वजह से अब इन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो पा रहा है, और बिना ओसी के उन लोगों को किस तरह से ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता इन लोगों के सामने आ रही है। We want possession with OC. हमारी डिमांड ये है कि हम बिल्डर से, जब हमने 2015 से हमने फ्लैट बुक किया था, कौन से बिल्डर? अस्टर इंफ्रा होम के नाम से बिल्डर हैं और ग्रीन कोर्ट के नाम से इनका प्रोजेक्ट है, सेक्टर 90 में, श्री वर्धमान ग्रुप के नाम से है। इनका एक फ्लोरा भी चल रहा है पीछे, वो भी बन गया है। तो उनसे हमने हरियाणा हाउसिंग अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत हमने जनवरी 2015 में हमने फ्लैट बुक किया था। जनवरी 2015 से हम इनको पेमेंट दे रहे हैं, 2018 में हम इनको पूरी पेमेंट दे चुके हैं विद सर्विस टैक्सेस एंड GST, ऑल द टैक्सेस इंक्लूड, सब कुछ हम इनको दे चुके हैं। आज तक हम अपने फ्लैट की इंतजार कर रहे हैं, हमें कब हमें फ्लैट मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन कोर्ट के नाम से एस्टर इंफ्रा होम के, एस्टर इंफ्रा होम के नाम से इसका लाइसेंस लिया गया है, और संतूर और वर्धमान का कोलैबोरेशन ग्रुप है ये सर। और तरीके से ये जो पोजीशन हमें होनी चाहिए थी बिल्डर की साइड से, जो कमिटमेंट था जनवरी 2020 में था सर, और जनवरी 2020 में जब पोजीशन नहीं मिली तो हमने बिल्डर को कई बार रीच किया। बिल्डर के साइड से सर मल्टीपल फेक कमिटमेंट्स हमें दिए गए कि सर 2 महीने रुक जाओ, दिवाली आने दो, दिवाली में आप अपने घर में रहोगे, दिवाली हो गई नहीं मिला, फिर हम गए सर दिवाली भी गए, सर होली आने दो घर रहे में रहोगे। इस तरह के बिल्डर्स मल्टीपल फेक कमिटमेंट्स सर दे रहे हैं, जिसके लिए हमने बिल्डर से जब बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बिल्डर के साथ हमने मीटिंग भी रखा, जो हमारे ये बिल्डर में 2-3 इनके पार्टनर्स हैं सबके साथ, इनका विपुल अगोरा ऑफिस जो MG रोड गुड़गांव में स्थित है सर, वहाँ पे हमने इनको रिक्वेस्ट करके मीटिंग में बुलाया, हम कई रेजिडेंशियल वहाँ जाके रहे मिले उनसे, तो उन्होंने उसमें हमें कमिटमेंट दिया, ये मीटिंग हुई थी हमारी जुलाई में, और उसमें उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया था आज से आने वाले 2 महीने में आपको सर उसी में ला के दूंगा, और वो 2 महीने सर कहीं कुछ पता नहीं चला। और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनके 2 लाइसेंस है सर, जो कि 2019 में ऑलरेडी इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, जो बिल्डर को रिन्यू करना चाहिए तभी इनको OC मिलेगी, जो हमारे पास अपडेट है। वहीं इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स ने
भावुक आंखों से अपनी वो दुख भरी कहानी भी बताई है कि किसी तरह से प्राइवेट कंपनियों में जॉब करके उन्होंने पाई पाई जोड़ी थी और सोचा था कि अपने एक छोटे से आशियाने में जाकर खुशी खुशी जिंदगी बताएंगे, लेकिन पूरा पैसा चला गया, लोन तक के अमाउंट चली गई, लेकिन आज भी उन लोगों के सामने इस प्रोजेक्ट का फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। हालात ये चुके हैं कि वो आज किराए भी भर रहे हैं जहाँ किराए पर रह रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लड़ाई के लिए उन्होंने ना केवल सीएम मिंडो, रेरा, डीसी यानी कि एसटीपी जितनी भी अथॉरिटीज है सभी में गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। हालात ये चुके हैं कि इनकी आंखों के आंसू थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर, मैंने यहाँ जनवरी 2015 में अप्लाई किया था और मेरे को अलॉटमेंट में ये फ्लैट मिला है। मैं ओरिजिनल अलॉटी हूँ। हमने सारी पेमेंट दिसंबर 2018 तक बिल्डर को सारी पेमेंट कर दी है और बिल्डर ऑफिस में जब जब हम गए तब तब बिल्डर ने ये बात बोली कि इस दिवाली उस दिवाली आपको फ्लैट मिलेगा। सर, अब देखो, हमने लोन लिया हुआ है, बच्चों को भी पढ़ाना है, लोन की इंस्टॉलमेंट्स हमारे ऊपर चल रही हैं, हम इतना परेशान हैं, हम क्या करें। एक फ्लैट का था आसरा कि हमें ये मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई आस नहीं है। सारा कुछ लुटा बैठे हैं। हाँ जी, क्या चाह रहा बच्चा आपके सामने? सर, अब हम सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमें वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैंने तो पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई एक तरीके से सोची है, प्राइवेट जॉब करने के बाद जितने भी मेरी सेविंग थी इसमें लगा दिया और उसके बाद क्या मिल रहा है? अफोर्डेबल अगर ये नहीं होती स्कीम तो शायद इसमें हम अप्लाई भी नहीं करते। केवल अफोर्डेबल के नाम से हम गए कि सरकार का इसमें हाथ है, चीज़ अच्छी मिलेगी, टाइम पर मिलेगा, जो नहीं हुआ। हम बहुत स्ट्रेस में हैं, इस तरीके से जीना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए और हम रेंट अलग दे रहे हैं, मकान यहाँ पे पैसे जमा कर दिए 2018 में सारी इंस्टॉलमेंट्स विद ऑल द टैक्सेस, और किस बात की सजा मिल रही है कि हम सारा पैसा दे चुके उसके बाद भी सजा मिल रही है। गौरतलब बात यह है कि ये वो बिल्डर है जिनके एक दूसरे प्रोजेक्ट में पिछले दिनों 4 दिनों तक लाइट का सबसे बड़ा संकट रहा था और 4 दिनों तक बिजली बोर्ड का द्वारा जो लाइट प्रोवाइड कराई गई थी वो वहाँ के निवासियों तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसका कारण था कि जो सबस्टेशन इस बिल्डर ने बनाया है वो काफ़ी कम कैपेसिटी था। बाद में जनरेटर के सहारे उनका काम चल रहा था, लेकिन नगर निगम ने जनरेटर पर भी लोग लगा दी थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और वो दूसरी सोसाइटी के लोग आज भी धक्के खाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन इन्वेस्टर्स ने अपने इस बिल्डर को ग्रेट चीटर तक की उपाधि दे दी है और ये कहा है कि इनको, यहाँ तक लोगों को आगाह भी किया है कि इनके गुरुग्राम ही नहीं हरियाणा में बनने वाले अन्य प्रोजेक्ट में इस बिल्डर से बच कर रहे हैं। हाँ, ग्रेट चीटर बिल्डर है। हम लोग एक तरफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है बहुत ज़्यादा, और दूसरा हम रेंट पे कर रहे हैं। जो फ्लैट हमको आज से 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। I think this is great cheater builder, जिस जो कि हमारा पैसा खा रहा है। My name is मनोज शर्मा। शर्मा जी, मतलब ये कि fraud builder? बिल्कुल बिल्कुल fraud builder है। क्या लोगों को आप इनसे अलर्ट करना चाहेंगे इनके project? बिल्कुल, मैं चाहूंगा, लोगों को अपील करता हूँ कि इसके प्रोजेक्ट में पैसा न लगाए आगे से और संभल के लाए इसके प्रोजेक्ट को, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट चीटर। जैसा जो हमारे साथ कर रहा है ऐसा जो दूसरों के साथ करेगा जो, और गरीबों का पैसा खाएगा जो। विश्वास उठ चुका है बिल्डर से? बिल्कुल विश्वास उठ चुका है जी। क्या उपाधि देंगे इस बिल्डर को आप? इनको 10 में से 2 देंगे ये खड़े करने के लिए। ग्रेट चीटर। कुल मिला के इन्वेस्टर्स ने ना केवल इस बिल्डर को ग्रेट चीटर की उपाधि दी है बल्कि लोगों को आगाह भी किया है कि इनके प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले जरूर पूरी इंक्वायरी कर ले, ताकि वो भी इन इन्वेस्टर की तरह इस बिल्डर के धोखे में ना आए। फिलहाल इनके सामने जो एक चारा बचा हुआ है वो यही बचा है कि इन्हें उम्मीद है कि अब सीएम मिंडो पर जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है कहीं ना कहीं वहां से इन्हें कोई राहत मिलेगी और जल्द ही ये अपने सपने के आशियाने में जा सकेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।